कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 वर्षों के वनवास को खत्म करने के प्रयास में विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की नाकामियों को लेकर भी शब्दों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। बात करें इंदौर विधानसभा क्षेत्र 2 की, तो कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सेंगर अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। 3.25 लाख मतदाता वाली इस विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रमेश मैंदोला ने वर्ष 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कराने में दूसरे नंबर पर स्थान दर्ज कराया था। कैमरा 24 के लिए संदीप सैन की रिपोर्ट। क्षेत्र क्रमांक 2 में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। 25 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनको यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय स्तर तक भेजा है। लेकिन अफसोस कि क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उससे महरूम है। चाहे शिक्षा की बात करें तो बच्चों को सरकारी स्कूल कोई नए बने नहीं है। चिकित्सा की बात करें तो 10 बिस्तर तक का हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज भी हमारे क्षेत्र की गरीब जनता महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय पर निर्भर है। रोजगार की बात करें तो जो मिलें थी वे बंद हो चुकी हैं। उनके जो मजदूर थे वे पैसा, अपने हक का पैसा प्राप्त करने के लिए अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, और हाईकोर्ट के द्वारा उनका पैसा प्राप्त हुआ। शिवराज सिंह जी की सरकार और भाजपा के नेताओं ने इस मामले में कोई मदद नहीं की। इस तरीके से ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है। महिलाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में अत्याचार में और रेप में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है, पूरे देश में नंबर 1 पर है। अगर मध्य प्रदेश के समृद्ध होने की बात करें तो मोदी जी के जो रिपोर्ट आई है अप्रैल 2018 में, उसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में 31वें स्थान पर है।